नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। स्वतंत्रता दिवस को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। शाम से शहर के बॉर्डर सील हो जाएंगे। संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। 15 अगस्त को पुलिस लाइन के चारों ओर जीरो जोन रहेगा। हर की पैड़ी की अगर बात करें और गंगा घाटों की बात करें तो वहां खास तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर हाई अलर्ट हर जगह हो रहा है और उत्तराखंड में भी वही देखा जा रहा है। आज शाम से शहर के बॉर्डर जो हैं वो सील हो जाएंगे, यानी कि जो भी सरहदें मिल रही हैं वो सभी सील कर दी जाएंगी। और चलाया जा रहा है संयुक्त चेकिंग अभियान। 15 अगस्त को पुलिस लाइन के चारों ओर जीरो जोन रहेगा, यानी कि एक जगह जो देहरादून या फिर कह लीजिए कि उत्तराखंड से जाकर मिलती हैं बाहर की जगह, उन राज्यों की सीमाओं को जो है वो सील कर दिया गया। जितने बॉर्डर हैं उनको सील कर दिया गया। आज शाम से शहर के बॉर्डर्स को सील किया गया है 15 अगस्त को, की तैयारियों के मद्देनजर, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ये चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है और इसके साथ साथ जो शहर के बॉर्डर हैं उन्हें सील किया जा रहा है। तो संयुक्त चेकिंग अभियान 15 अगस्त की सुरक्षा के मद्देनजर चारों जो पुलिस लाइन है और इसके अलावा संयुक्त चेकिंग अभियान जो चलाया जा रहा है, हर की पैड़ी और गंगा घाटों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आज शाम से शहर के बॉर्डर जो हैं वो सील हो जाएंगे। तो संयुक्त चेकिंग अभियान जिसके अंतर्गत 15 अगस्त को पुलिस लाइन के चारों ओर जीरो जोन रहेगा, साथ ही इसके अलावा हर जगह सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है, चाक चौबंद कर दी गई है। हर की पैड़ी और गंगा घाटों पर भी सुरक्षा बढ़ा दी है, यानी कि हर आने जाने वाले की चेकिंग होगी, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है लगातार। और संयुक्त चेकिंग अभियान इसे नाम दिया गया है, जिसके तहत तमाम शहर के जो बॉर्डर्स हैं वो सील होंगे। पुलिस लाइन के चारों ओर जीरो जोन रहेगा। 15 अगस्त के मद्देनजर ये तैयारियां, ये संयुक्त चेकिंग अभियान। तो आज शाम से शहर के बॉर्डर जो हैं वो सील हो जाएंगे सुरक्षा के कारणों के मद्देनजर। और संयुक्त चेकिंग अभियान, जैसा हम लगातार आपसे बात करें, दरअसल 15 अगस्त के में सुरक्षा को देखते हुए, सुरक्षा के लिहाज से चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। और देहरादून में, उत्तराखंड में भी यही देखा जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त देहरादून की, संयुक्त चेकिंग अभियान की यहाँ बात आ रही है। हर की पैड़ी और गंगा घाटों को सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया है। कई खुफिया एजेंसियों को ये जानकारी मिली है, क्योंकि अक्सर इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि आतंकी किसी भी आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए खास इसी तरह के दिन चुनते हैं। और कल चूंकि स्वतंत्रता दिवस है और इसी खास पल को देखते हुए, इस खास दिन को देखते हुए चारों ओर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर हाई अलर्ट इस वक्त, आज शाम से शहर के बॉर्डर सील हो जाएंगे। तो संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस लाइन के चारों ओर जीरो जोन रहे। और आइए सीधा रुक कर रहे हैं सुभाष की ओर। हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में जुटे हुए हैं। सुभाष, चारों ओर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिसके चलते कई बॉर्डर को सील किया गया है। तय वक्त जो है वो रखा गया है, आज शाम से हो जाएंगे, लेकिन कब तक ये बॉर्डर सील रहेंगे और क्या कुछ इस खबर पर जानकारी आपके पास? हेलो सुभाष, मिल रही है आवाज आपको? हेलो,
चलिए सुभाष से हम संपर्क करें, लेकिन आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर जिसके तहत हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के चलते सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, बॉर्डर सील किए गए हैं और इसके अलावा पुलिस लाइन के चारों ओर जीरो जोन की बात भी कही गई है। तो संयुक्त चेकिंग अभियान जो है वो चलाया जा रहा है और स्वतंत्रता दिवस को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है जिसकी तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। आज शाम से शहर के बॉर्डर सील होंगे और इसके अलावा चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था, आने जाने वाली तमाम गाड़ियों की चेकिंग हो रही है और ख़ास तौर पर चूँकि कोरोना गाइडलाइन के भी कोरोना के चलते जो इसकी गाइडलाइन है उसका भी तमाम लोग पालन करें, इसका भी ख़ास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। और इसके अलावा जो ख़ास जो तैयारियां की जा रही हैं उसके मद्देनज़र ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, जहाँ पर तैयारियाँ जो हैं, जहाँ आयोजन रखा गया भव्य, वहाँ पर ये तैयारियाँ देखी जा रही हैं और इसके अलावा चारों ओर पुलिस लाइन के चारों ओर जो है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद और कर दी गई है, जीरो जोन कर दिया गया है हर की पेड़ी और गंगा घाटों पर भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, यानी कि हर आने जाने पर वाली पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा चेकिंग होगी और बॉर्डर जो है वो सील होंगे, यानी कि जो भी गाड़ी उत्तराखंड में एंटर होगी उसकी पूरी तरह से चेकिंग होगी। तो ये सुरक्षा के इंतजाम देश भर में अलग अलग जगह पर देखे जा रहे हैं और देहरादून ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हर की पेड़ी और गंगा घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और संयुक्त चेकिंग अभियान जो है वो चल रहा है। खबर देहरादून से, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का डोईवाला में कार्यक्रम, लच्छीवाला वाटर नेचर पार्क का उद्घाटन, शाम 6 बजे ये उद्घाटन समारोह होगा और वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भी इसमें शिरकत करेंगे। डोईवाला के विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इसमें शिरकत करेंगे और देहरादून के DFO राजीव धीमान ने भी इसकी जानकारी दी है। बच्चों के लिए भी आधुनिक झूले लगाए जाएंगे, साथ ही ट्रैकिंग के साथ सेफ्टी पॉइंट जो है उनका भी ख्याल रखा जाएगा। पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियों को पूरा कर लिया है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको बता दें देहरादून से ये बड़ी खबर, CM पुष्कर सिंह धामी का डोईवाला में कार्यक्रम। और आइए फिर से एक बार रुक करें, सुभाष गौड़ हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। सुभाष, शाम 6 बजे ये उद्घाटन समारोह होगा और क्या कुछ अपडेट्स इस पर? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री का अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो लगभग 6 बजे का कार्यक्रम है और लच्छीवाला नेचर पार्क का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री करेंगे, यानी कि पर्यटकों के लिए जो लच्छीवाला था उसके लिए जो वन विभाग के पार्क थे उसका काम पिछले लंबे समय से किया जा रहा था, सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा था और कोशिश की जा रही थी कि जो पर्यटक उन पर्यटक क्षेत्रों में आते हैं, लच्छीवाला घूमने आते हैं, उनको एक बेहतर पार्क नेचर की तरफ से दिया जाए, जिसमें पेड़ पौधे हो, बेहतर चीजें हो, ताकि चाहे उसमें बुजुर्ग व्यक्ति आए या फिर कहा जाए बच्चे आए तो सभी लोग उस स्थान को देखकर खुश महसूस करें, साफ ऑक्सीजन उनको मिले, तो उसको लेकर लगातार जो निर्माण कार्य पिछले लंबे समय से चल रहे थे और अभी आगामी दिनों में उसको और बेहतर किया जाएगा, तो जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री ने लगभग 6 बजे शाम को लच्छीवाला में नेचर पार्क जो है उसका लोकार्पण करना है, जो कि डोईवाला क्षेत्र में आता है। कुल मिला के कहा जा सकता है पर्यटक की दृष्टि से एक बेहतरीन कार्य मुख्यमंत्री के द्वारा किया जा रहा है और कहीं ना कहीं वन विभाग की जो टीम है वो भी इसमें बेहतर सहयोग करेगी। सुभाष, इस पार्क की उपलब्धता और क्या क्या है, क्या कुछ खास इस पार्क में है? जी बिल्कुल, जैसे ही उसका नाम है नेचर पार्क, तो नेचर से जुड़ा हुआ ये पार्क है, क्योंकि वन विभाग की जमीन पर ये पार्क बनना है और लच्छीवाला क्योंकि ये देखा जाता है कि राजधानी देहरादून सहित बाहर से आने वाले तमाम जो पर्यटक है लच्छीवाला उनके लिए मुख्य आकर्षण होता है और खासतौर से गर्मियों के दिनों में बहुत अधिक संख्या में जो पर्यटक है वो स्थानों पर पहुंचते हैं और ऐसे में क्योंकि वहाँ बेहतर एक पार्क की आवश्यकता थी जहाँ बच्चे खेल सके, तमाम चीजें हो सके और कहीं ना कहीं नेचर को किस प्रकार से पहचान सके, इस तरीके की जो तैयारी है वो वन विभाग द्वारा की जा रही थी और कोशिश की जा रही थी उसको और बेहतर तरीके से किया जाए। वहां इसी को लेकर इस पार्क में मुख्यमंत्री इस पार्क का लोकार्पण करेंगे और कुल मिलाकर कहा जा सकता है जैसे कि उसका नाम है नेचर पार्क, तो नेचर से जुड़ी हुई तमाम जो चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, और बच्चों के लिए खास तौर पर इंतजाम और खास बात ये है कि ये पार्क है, यहाँ इसके उद्घाटन के दौरान कई ऐसे गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे और इसका उद्घाटन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सुभाष।
और इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह ने सीएम पद को लेकर चुप्पी तोड़ते हुए कहा है कि जब एक सीएम को हटाया जाता है तो लोगों के लिए सवाल उठाना स्वाभाविक है, लेकिन पार्टी के हर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि वो पार्टी के फैसलों का पालन करे। जब सवाल उठते हैं तो जवाब देना पार्टी नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है। उनका कहना जो है वो उनकी दृष्टि से उचित हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने जो प्रारंभ में अपनी बात कही थी और जो हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में बात कही थी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, उनका कहना जो है सवाल भी उठते हैं जो कि स्वाभाविक है, और उसका जवाब देना पार्टी के नेतृत्व को जो कर रहे होते हैं यानी कि शीर्ष नेता जो होते हैं उनका इन तमाम सवालों के जो जवाब है वो देना उनका दायित्व होता है। तो मुख्यमंत्री पद मुख्यमंत्री रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत, पद छोड़ा उन्होंने और उसके बाद और देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस लाइन में ध्वजारोहण करेंगे। 15 अगस्त को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस पर जायजा लिया हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ ने, देखिए खास रिपोर्ट। इस बार उत्तराखंड में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम परेड ग्राउंड की बजाय राजधानी देहरादून के पुलिस मैदान में हो रहा है। यह राजधानी देहरादून का पुलिस ग्राउंड है जहाँ स्वतंत्रता दिवस की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से कर ली गई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से भी तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। कुल मिला के कहा जा सकता है कि कोरोना जैसी महामारी के बीच इस तरीके के कार्यक्रम को कराने के लिए भी पूरी तरीके से गाइडलाइंस बनाई गई हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि स्मार्ट सिटी पोर्टल में आवेदन करने के बाद ही इस मैदान में लोगों को इस कार्यक्रम को देखने की अनुमति मिलेगी। साथ ही बड़ी चीज़ ये भी है कि स्मार्ट सिटी का जो पोर्टल है उसमें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। लगभग 200 लोगों को ही इस कार्यक्रम में आने की अनुमति है। ये मेरे आप इस तरफ देख सकते हैं, ये मुख्य मंच बनाया गया है जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य पहुंचेंगे और कल मुख्यमंत्री ध्वजारोहण के साथ ही कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे। यानी कि कहा जा सकता है कि तमाम जो तैयारियाँ हैं वो पूरी कर ली गई हैं और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी चार चौबंद कर दिया गया है। और महत्वपूर्ण चीज़ ये कि कोविड गाइडलाइंस का पालन किस तरीके से कराया जाए उसकी तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। हालांकि इससे पहले जो कार्यक्रम हुआ करते थे वो परेड मैदान में होते थे, लेकिन क्योंकि वहां स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है जिसके चलते कार्यक्रम को पुलिस लाइन में शिफ्ट किया गया है। देहरादून से सुभाष गौड़, इंडिया न्यूज़। और सीएम धामी की पीडब्ल्यूडी के साथ बैठक, सड़क कनेक्टिविटी से संबंधित विभागों की समीक्षा की, जल्द सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। कार्यों में तेजी के साथ गुणवत्ता का ध्यान भी रखा जाए, ये कहना है सीएम का। और साथ ही पीडब्ल्यूडी में रोपवे जो डिवीजन है उसका गठन करने की बात भी कही गई है। काशीपुर से बीजेपी विधायक हरभजन सिंह और चीमा और पूर्व बीजेपी विधायक राजीव अग्रवाल की अंतर कलह जग जाहिर है, जो कि अक्सर मीडिया की सुर्खी भी बनती है। एक बार फिर से पूर्व बीजेपी विधायक ने अपनी ही पार्टी के वर्तमान विधायक हरभजन सिंह चीमा पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी आलाकमान से यह अपील की है कि पार्टी चीमा जैसे प्रतिनिधि को टिकट ना दे। इस दौरान जहां उन्होंने बीजेपी विधायक हरभजन सिंह चीमा पर क्षेत्र में पार्टी का नाम डुबाने जैसा आरोप लगाते हुए उनके 20 साल की विधायकी कार्यकाल को कटघरे में खड़ा कर दिया है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी संगठन के प्रदेश मंत्री आशीष गुप्ता ने इस मामले में काशीपुर विधायक चीमा का बचाव किया। हमारे विधायक जी है जो पिछले 4 बार से विधायक बनते चले आ रहे हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम काशीपुर क्षेत्र में डुबो कर रख दिया। कोई काम करने को तैयार नहीं है, घर से निकलते नहीं है, कोई उनके पास पहुँच जाए उससे ढंग से सम्मान उसको देते नहीं है। विकास के काम पे तो बस वो दिखावा करते हैं,
और मेरा तो ये मानना है कि 20 साल में वास्तव में काशीपुर की बहुत दुर्दशा हो गई है। मेरी भी पार्टी से मांग है इस प्रकार के जनप्रतिनिधि को दोबारा मौका न दिया जाए, एक जिम्मेदार कार्यकर्ता को इसका मौका दिया जाए। माननीय चीमा जी विगत 20 वर्षों से काशीपुर के विधायक हैं, उनके समय में ऐसा नहीं है, काशीपुर में काफ़ी क्षेत्र में विकास हुआ है, प्रेरणा स्रोत है, मोदी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा और भाजपा के सिंबल पर ही हम लोग टिकट जीतने वाले हैं, जिसमें कोई भी जिसे टिकट भाजपा का मिलेगा कमल का फूल ही जीतेगा। और वहीं प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सरकार मुस्तैदी से जुटी है और इसी कड़ी में औद्योगिक विकास योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में इस योजना के 23 लाभार्थियों को 35 करोड़ रुपए की सब्सिडी के चेक प्रदान किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास के लिए पूंजी निवेश जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन आत्मनिर्भर भारत को सफल बनाने को राज्य में उद्योगों के लिए बेहतर वातावरण बनाने के साथ ही सहूलियतें दी जा रही हैं। और डीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की है, समीक्षा बैठक देहरादून में की है और सीएम ने घोषणाओं को लेकर भी समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को जल्द काम पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। पीडब्ल्यूडी को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। और देश मना रहा है स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ। पुलिस लाइन रेस कोर्स देहरादून में होगा मुख्य कार्यक्रम का आयोजन। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई लोग वहां पर मौजूद होंगे, लेकिन अगर कोई आम व्यक्ति करना चाहता है, शामिल होना चाहता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 200 लोगों को ही कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी गई है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियों का दावा किया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य होंगी मुख्य अतिथि। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई बड़ी घोषणाएं जो हैं वो कर सकते हैं। और उत्तराखंड मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। अगले 2 दिनों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है। नैनीताल, चंपावत और देहरादून में भी बारिश के आसार हैं। और मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि अगस्त में औसत से 33% कम बारिश हुई। अगस्त महीने में बारिश है वो एक्टिविटी थोड़ी कम रही है। आज की डेट तक अगर बात करें तो ये करीब करीब -33% है, कम है उत्तराखंड में अगस्त की जो वर्षा हमको मिलनी चाहिए थी तो वो कम है, -33% है। और अभी जो अगले 1 या 2 दिन की बात करें, आज कल और परसों तक की, तो इसमें जो बारिश की एक्टिविटी वो रहेगी प्रदेश में हल्की से मध्यम जो है अनेक जगहों तक में। कि हम बात करें भारी बारिश के लिए तो उसमें चमोली है, पिथौरागढ़ है और बागेश्वर है, तो ये अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स में मैं कहूँगा कि ये आगे जो 2-3 दिन है आज से लेके और 15 तक जो है, तो इनमें इक्का दुक्का जगहों में इन डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी रेन्स भी देखने को। और बारिश के बाद भूस्खलन से मुसीबतें बढ़ गई हैं। आपको बता दें 219 सड़कें बंद हुई हैं, 11 राज्य मार्ग, 5 जिला मार्ग, 191 ग्रामीण सड़कें बंद की गई हैं। बंद सड़कों में 104 सड़कें PMJSY की हैं और 87 सड़कें सिविल की। और वीकेंड पर अब पर्यटकों की संख्या सीमित होगी। जिलाधिकारी ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। वीकेंड पर अधिकतम 15,000 पर्यटक ही जा सकेंगे मसूरी। और आपको ये भी बता दें कि अगर वो जाते हैं तो फिर कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। पर्यटकों को एडवांस होटल बुकिंग करनी होगी, स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और मसूरी में देश की स्वतंत्रता को लेकर कई महत्वपूर्ण यादें मौजूद हैं।
स्वतंत्रता से पहले अंग्रेजों द्वारा मसूरी के गांधी चौक पर झंडा फहराया जाता था, जहां वर्तमान में मसूरी में सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाया जाता है और राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। वहीं मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी और लौह पुरुष के नाम से पहचान रखने वाले जगन्नाथ शर्मा द्वारा 1942 में मसूरी के धनानंद इंटर कॉलेज शिक्षा ग्रहण के दौरान गांधी जी और नेहरू जी से प्रेरित होकर उनके द्वारा स्कूल परिसर में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था और जो उस समय अद्भुत और विस्मयकारी घटना थी। जो 1947 में झंडा फहराया गया वो वहाँ पे मसूरी क्लब के थोड़े से प्रांगण में और सवाय होटल में कैप्टन कृपाराम ने उसके बाद भी कम से कम 25-30 साल उसके बाद भी वो हर साल वहाँ पे झंडा फहराया करते थे और मसूरी में तो बहुत लोगों ने बहुत खुशियां मनाई। लेकिन थोड़ा सा दुर्भाग्य हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी सी यहाँ पे लूटमार शुरू हो गई थी तो 2-3 दिन का कर्फ्यू लगा हुआ था, इस वजह से भी यहाँ पे सार्वजनिक रूप से झंडा अवतरण ना हो सका जहाँ पे फिर अब होता है वर्तमान में गांधी चौक में। पहले वहाँ पे ब्रिटिश काल में ब्रिटिश झंडा फहराया जाता था लेकिन सब लोग यही चाहते थे कि यहीं पे फहराया जाए भारत की आज़ादी का पहला ये, लेकिन स्थितियाँ ऐसी नहीं थी। मसूरी के होटल में आयोजित सम्मान समारोह में सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गोनियाल ने छात्र छात्राओं को स्कूल में परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर अच्छे अंक हासिल करने पर उनको सर्टिफिकेट और पुरस्कार देकर सम्मानित किया, साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं मनीष गोनियाल ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि छात्र छात्राएं अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और उसको पाने के लिए हर संभव मदद करें जिससे वो उनका भविष्य बेहतर हो। उत्तराखंड हाई कोर्ट मुकदमों के त्वरित निस्तारण के लिए मोबाइल ई कोर्ट शुरू करने जा रहा है। 15 अगस्त के दिन हाई कोर्ट नैनीताल परिसर में मुख्य न्यायाधीश ई कोर्ट मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों की भौगोलिक स्थिति की वजह से साथ ही वादियों को न्याय मिलने में देरी हो जाने के चलते न्याय मिलने में सालों साल लग जाते हैं, लिहाजा त्वरित कार्रवाई हो जिसके लिए इसकी पहल की गई है। और इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।